टेक्निक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबर आपके सामने हाजिर है। टेक न्यूज़ से हम आपसे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्यार और सपोर्ट दोस्तों बनाए रखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने शायद अभी भी नहीं किया रहेगा, सब्सक्राइब करिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। और हमने एक बढ़िया वीडियो डाला है जिसमें हमने बताया कि वो जो स्मार्टफोन है, हमारा फेवरेट स्मार्टफोन है 2022 का। ऐसे बहुत रेयरली ऐसे फोन्स होते हैं जो हमें पसंद आते हैं। अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को देखिए, इधर यहाँ पर कार्ड मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। वैसे प्रीवियस वीडियोस की लिंक्स हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहती है, जाके चेकआउट करते रहिए। खूब सारे लाइक्स, खूब सारा प्यार और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं लावा से। फाइनली लावा ने एक ढंग का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, लावा ब्लेज 5G। ये दोस्तों डायमेंसिटी 700 के साथ आपको मिलता है। इसमें HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले, इसमें 90 हर्ट्ज की आपको हाईर रिफ्रेश रेट मिलती है। एक ही कमी है कि HD प्लस है, अगर फुल HD प्लस होता तो ज़्यादा अच्छा होता था। साथ में 50 का रियर कैमरा है, 8 की सेल्फी है, 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं है और Android 12 बेसिकली नियर स्टॉक Android एक्सपीरियंस आपको देगा। अच्छी बात यह है कि आपको ये सिर्फ 10,000 रुपये पर मिलेगा। जी हाँ, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस से आगे बढ़ सकती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज, जो कि UFS स्टोरेज है। तो लावा वालों ने एक अच्छा काम कर दिया है। जब वो अच्छा करेगी तो हम चीख चीख के बोलेंगे कि बहुत अच्छा कर रही है। और मेरे हिसाब से अगर एक बेस्ट इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन 5G वाला अगर आपको परचेज करना है तो लावा ब्लेज 5G मुझे लगता है कि एक अच्छा स्मार्टफोन है। इन्फिनिक्स भैया भाई एकदम कमाल पे कमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स आजकल उनका जो लेवल है ना, वो रेडमी, शाओमी, समवॉट सैमसंग से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि उन्होंने सीक्रेटली अपने इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 को अनाउंस कर दिया। एक जीरो 5G वो अलग है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, डायमेंसिटी 920 जो अभी तो 15,000 की रेंज पर मिल रहा है। खैर, ये अलग है, ये डायमेंसिटी 1080 वाला है। जी हाँ, बाकी आपको 120 हर्ट्ज वाली IPS डिस्प्ले, 50 का रियर, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग सिमिलर ही है। इसकी प्राइस नहीं आई, ये ग्लोबली है, शायद इंडिया में भी हमें ये वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है। लेकिन दो इन्फिनिक्स के कमाल के फोन्स आने वाले हैं, प्रॉब्ली नवंबर में ही होगा, मुझे सब पता है। अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको सब बताएंगे। शाओमी की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। रेडमी नोट 12 सीरीज को लेकर काफी चर्चे हो रहे हैं, काफी ट्रेंड में ये दोनों फोन से। वैसे बड़ी ही जल्दी बड़ी ही अच्छी सरप्राइजेस आपको हम देने वाले, लेकिन इंडिया में दोस्तों रेडमी नोट 12 जो है ये लिस्ट हो चुका है BIS पर। बड़े कंफ्यूजन से शाओमी में, रेडमी में, पोको में, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बट पोको की बात कर ले तो पोको के जो इंडिया हेड है उन्होंने तो कंफर्म कर दिया कि रेडमी नोट 12 पोको में कुछ रीब्रांड नहीं होगा, बल्कि पोको का कुछ और आ रहा है जो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो हमने प्रीवियस टेक न्यूज़ में जो बोला था, आज अभी मैं वो क्लियर कर देता हूँ। और साथ में लग रहा है कि मुझे कि रेडमी नोट 12 उसी नाम के साथ ही हम इंडिया में देखने को मिलेगा। खैर, इसमें हमारा ही फायदा है, देखते हैं अगर अच्छी प्राइस पर आ जाए। चाइना में तो बड़ी एग्रेसिव गया था, इंडिया में भी अगर ऐसा हो मज़ा आ जाएगा। Realme की तरफ से आज बोरिया भर भर के खबर आ रही है। पहले तो जो लॉन्च हुआ उनकी बात करते हैं। Realme 10 ऑफिशियली ग्लोबली लॉन्च हो गया है, 18,000 की प्राइस है, 464, और ये MediaTek Helio G99 90 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, 50 का कैमरा है, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग। आजकल ये सब रिपीट हो रहा है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बट हाँ ये ग्लोबली हो गया है। बट इंडिया में इतना तो महंगा नहीं होगा, थोड़ा कम प्राइस पर होगा तो शायद कॉम्पिटिटिव हो सकता है। उसी के अलावा Realme 10 Pro Plus 5G अभी कंफर्म हुआ था ना कि कर्व्ड डिस्प्ले है, तो इसमें इसकी डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। ये OLED होगी, 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट, 10 बिट वाली, काफी सारे और भी फीचर्स होंगे। एक और नया फीचर होगा 2160 हर्ट्ज, ये रिफ्रेश रेट नहीं बल्कि ये हाई फ्रीक्वेंसी डिमिंग वगैरह की टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने डिस्प्ले में दिया है, काफी प्रीमियम डिस्प्ले लग रहा है। बस ये प्राइस अच्छी दे दे तो बढ़िया रहेगा। उसी के अलावा Realme GT Neo 4, हाँ Realme GT Neo सीरीज काफी कमाल कर रही है। Neo 4 की स्पेक्स लीक हो गई है, इसमें 144 हर्ट्ज की 2K वाली डिस्प्ले होने वाली है। साथ ही साथ 100 वॉट तक आपको चार्जिंग मिल सकती है और Snapdragon 8 Gen 1 होगा ऐसा बताया जा रहा है। और ये दोस्तों 40,000 के अंडर होगा, ऐसी बात हो रही है। देखते हैं, पहले चाइना में जाएगा फिर हमें इंडिया में मिलेगा। एक तरफ एप्पल यहां पर लड़ाइयां कर रहा है फोल्डेबल फोन्स को लॉन्च करने के लिए, एक तरफ सैमसंग उनको ट्रॉल कर रहा है कि भाई 2024 के पहले तो हम गारंटी देते कि एप्पल वाले अपने फोल्डेबल फोन नहीं लाएगा। लेकिन चाइना में कुछ और ही सीन है। यहां पर बिबिली, हाँ ऐसा एक यूजर नेम है जिसने चाइना में कहीं पर एक ब्लॉग के अंदर अपना खुद का होममेड iPhone V या iPhone 5 उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है। ये बेसिकली एक क्लैमशेल स्टाइल फोल्डेबल आईफोन है। जी हाँ,
बहुत मेहनत करके इस बंदे ने इसको बनाया है और ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटोटाइप है जो उसने बताया कि ऐसा भी हो सकता है जब वो एक अकेला बंदा एक क्लैम्पशेल स्टाइल में आईफोन को फोल्ड में प्रेजेंट कर सकता है तो एप्पल वाले इतने सालों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बात तो सही है इसीलिए तो सैमसंग ने उनको ट्रोल किया था। लेकिन सोचो यार कैसे कैसे माहिर लोग बैठे जो घर बैठे बैठे इतनी मेहनत करने के बाद एक फोल्डेबल आईफोन बना दिया, क्या जमाना आ गया यार। फाइनली एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट मीडियाटेक, फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 अनवील्ड हो चुका है। सैडली ये भी 4nm पर है, वैसे भी TSMC के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं 3nm के लिए, इसलिए 4nm पर आपको मिलता है। और ये कॉर्टेक्स X3 पर बेस्ड है 3.05 GHz, इसमें G715 आपको 11 कोर वाला GPU मिलता है, ये भी वर्ल्ड्स फर्स्ट है। और साथ में इसमें रेयर ट्रेसिंग वगैरह भी उन्होंने दे दी है, वाईफाई 7 है, LPDDR5X ये भी फर्स्ट, UFS 4 ये भी फर्स्ट, और उसी के अलावा बहुत सारे हाइपर इंजन 6 ये वो, और लगातार Asus, Oppo, Xiaomi वगैरह ने कंफर्म कर दिया है, Vivo ने भी, कि हमारे पहला फोन आएगा इस चिपसेट पर। तो Asus ROG Phone 7 होगा, Vivo X90, Oppo Find X सीरीज और Xiaomi 13 सीरीज में भी इस पर हो सकती है। देखते हैं दोस्तों कौन पहले बाजी मारता है और Qualcomm इसके बाद Snapdragon 8 Gen 2 से इसको कितना टक्कर देता है, उसका इंतजार है। Qualcomm भी ये सोच रहा है कि भाई हम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि जैसे कि Apple ने अपनी M2 चिप डेस्कटॉप डेडिकेटेड यहाँ पर लेके आया था, तो Qualcomm वाले बोल रहे हैं कि हम भी एक बहुत ही पावरफुल ARM बेस्ड, जी हाँ, इस तरीके के CPU पर काम कर रहे हैं जिसमें 12 CPU कोर्स हो सकते हैं और ये डेडिकेटेड डेस्कटॉप के लिए होगा जो कि 2023 में आएगा। फिलहाल के लिए उनके अवेलेबल है और लैपटॉप्स में X86 वाले जो थोड़े डिफरेंट कैटेगरी के, वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो डेस्कटॉप चिपसेट से कम्पीट कर सके। लेकिन Qualcomm बोलता है कि अगले साल वाले जो हमारे CPU आएंगे भाई वो फुल पावरफुल होने वाले हैं। देखते NVIDIA, Intel, इससे Apple से किससे कम्पीट करता है और कितना पावरफुल होता है, ये अगले साल ही पता चलेगा। डील की बात करते हैं, विंग्स फैंटम प्रो एक जबरदस्त TWS गेमिंग स्टाइल में आपको यहां पर मिलेगा, इसकी प्राइस सिर्फ 1300 रुपए की है, 40 घंटे का बैकअप, ब्लूटूथ 5.3, 12mm के ड्राइवर्स और भी काफी सारे फीचर्स और दिखने में भी काफी बढ़िया है। अगर आपकी बजट टाइट है और एक खूबसूरत बढ़िया TWS चाहिए तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं, Take-Two इंटरैक्टिव, ये बेसिकली रॉकस्टार के भी ऊपर जो बैठे रहते हैं, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि GTA 6 आने वाला है। जी हाँ, ये तो कंफर्म्ड हो गया है, वैसे तो पहले भी हो गया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीच में जो मैसिव लीक हुआ था ना, जिससे गेम प्ले लीक हुआ था, हमने आपको उसके बारे में बताया था, बहुत इश्यूज हो गया था, तो बोले कि इससे हमारे डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा फोकस उसी पर है और हमारी कोशिश पूरी है कि इस गेम को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जाए। ये पहला ऐसा रॉकस्टार का गेम होगा जो प्रीवियस जनरेशन से बड़े सालों बाद यहां पर आ रहा है और अभी भी बोल रहे हैं कि 2024 से पहले हमें ये गेम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या आपको पता है दोस्तों, अलास्का में एक ऐसा रिमोट इलाका है जहां पर अगर आपको पिज्जा खाना है, दिल कर रहा है, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, कोई बात नहीं, डिलीवरी जो होती है वो प्लेन से होती है, हाँ एक छोटा सा प्लेन होता है उसमें से होती है और आपको पिज्जा डिलीवरी मिलता है, लेकिन उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते, मतलब डिलीवरी का कोई चार्जेस नहीं लेते। बट फन फैक्ट यहाँ पर ये कि पिज्जा की प्राइस ही है $200, आने जाने का भाड़ा उसमें कवर हो गया। बल्ले बल्ले, आज के लिए खत्म, तो भी करता आपको आज के लिए पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।